पिछले लंबे समय से पीएचई आईटीआई ट्रेंड डेली वेजर्स जो हैं वो अपनी मांगों को लेकर जम्मू की सड़कों पर हैं, तमाम मंत्रालयों तक होके आ चुके हैं, सेक्रेटरीट बार बार तमाम अफसरान से मिलके आ चुके हैं, लेकिन उनका मसला हल नहीं हुआ है। और कल जिस तरह से एक कहें कि दो दिन पहले एक उनके कर्मचारी ने आत्महत्या कर ली थी लाचार होकर, क्योंकि बच्चे जो हैं स्कूल नहीं पढ़ पा रहे हैं, घर नहीं चल रहे हैं, जो रसोइयाँ हैं वहाँ पे खाना नहीं बन रहा है, इतनी मुश्किलात में ये लोग किस तरह से काम करें, उसी को लेकर रोषित लोग लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन आत्महत्याओं का रुकने का नाम जो है वो ले नहीं रहा है। और दो दिन पहले का वाकया ही इस चीज़ को बयां करता है कि कितनी मुश्किलात में, कितने स्ट्रेस में ये लोग काम करते हैं। तमाम ये पीएचई डेली वेजर्स हैं, अलग अलग जगहों से आए हुए हैं और बिना तनख्वाहों में काम करके अपने परिवार का ना जाने कैसे ये अपना पालन कर रहे हैं, बहुत परेशानी है, तंग आ जाते हैं, कई लोग सुसाइड भी कर लेते हैं जब बच्चे ये कहते हैं कि फीस कहाँ से पे करेंगे, स्कूल कैसे जाएंगे, खाना कैसे बनेगा, यही तमाम मुश्किलात हैं। इसी को देखते हुए जम्मू में आज दोबारा प्रदर्शन हुआ है और ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, जानेंगे सीधानी से। दो दिन पहले का वाकया, एक और आपके साथी ने आत्महत्या कर ली, प्रशासन है सुन नहीं रहा है, आत्महत्याओं का जो एक सिलसिला है वो रुक नहीं रहा है, आखिर कब जागेगी सरकार और किस तरह से आप लोग अपनी आवाज़ आगे लेके जाएंगे, क्योंकि हर स्तर तक तो आप जा चुके हैं, क्या आगे आगे फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन रहेगा ताकि जो गवर्नमेंट है वो आगे एक्शन ले। देखिए, सबसे पहले मैं श्री न्यूज़ का भी थैंक्स करता हूँ कि जो डेली वेजर गरीब आवाम है हमारे हक की हर आवाज़ को ये उठाते हैं। दूसरी रही बात, मेरे को ये नहीं समझ आता, बहुत दुख हृदय से ये बात कहना पड़ती है कि हर एक जान की कीमत होती है, लेकिन डेली वेजर की कीमत क्या एक जानवरों से भी, लोग घर में एक कुत्ता पालते हैं तो उसकी भी इतनी कदर पड़ती है। तो हम जो पिछले 15-15 साल से 20-20 साल से डिपार्टमेंट के अंदर हर एक इंसान के सो के उठने से पहले उसके घर में पानी की व्यवस्था पहुंचता है, तो वो यही कैजुअल लेबर्स है, चाहे उसमें सीपी वर्कर हैं, आईटीआई हैं, नीट बेस है, इंप्रेस्ड बेस वर्कर हैं, अदर कैटेगरीज के साथी हैं, यही साथी हैं जो एक आम आदमी के सो के उठने से पहले उसके घर में जो पानी पहुंचाता है, तो यही साथी हैं। कभी आप हमारे स्टेशनों की हालत देखो, हम साथी कितने मुश्किल हालात में, कभी आप पहाड़ी एरिया में देखो तो किस प्रकार से पहाड़ों पे हमारे साथी जो है पानी की व्यवस्था करते हैं। उस समय डिपार्टमेंट ये कहता है कि ये कैजुअल लेबर जो डेली वेजर लोग हैं ये डिपार्टमेंट की रीढ़ की हड्डी है, लेकिन अगर वही रीढ़ की हड्डी अगर उसका एक मन का गिर जाता है तो डिपार्टमेंट से कोई आला अधिकारी उसके परिवार में ये पूछने तक नहीं जाता कि इस परिवार की क्या तंगी की हालत है, कि क्या इसके अंतिम संस्कार के लिए भी जो लकड़ी के पैसे हैं वो भी इस परिवार में हैं या नहीं है, रोने का दिल करता है। और इस एडमिनिस्ट्रेशन को मैं इस चैनल के माध्यम से वार्न कर देना चाहता हूं कि जिस प्रकार कश्मीर में जो युवा है वो बंदूक उठाने के लिए मजबूर है, वो गोली उठाने के लिए मजबूर है, पत्थर उठाने के लिए मजबूर है, कहीं ऐसी ना नौबत आ जाए कि जम्मू में भी जो युवा है, चाहे वो ऑल डिपार्टमेंट डेली वेजर सीपी वर्कर आईटीआई नीट बेस किसी भी कैटेगरीज में लगे हुए हैं, वो कहीं इस नौबत में ना आ जाए कि हम भी पत्थर उठाए और बंदूक उठाने को मजबूर हो जाए। बहुत सारे और भी लोग हैं यहाँ पर, और मैं आपका जानना चाहूंगा, क्या नाम है आपका? अजय वाले। कहाँ से, कहाँ के रहने वाले हैं? कठुआ। कठुआ से। आपके वहाँ भी यही कितनी देर से सैलरी नहीं मिली है? ये कोई 5 साल से नहीं, 5 साल से मिली नहीं है, तो किस तरह से गुजारा करते हैं आप लोग? मुश्किल हो रहा है। बच्चे कैसे पढ़ा रहे हैं? बच्चे ऐसे कोई धड़ी लगाते कुछ और, मतलब इसके साथ कोई काम करने पे मजबूर है। तो किस उम्र में आपने ये काम शुरू किया था पीएचई डेली वेजर? कोई 20 साल की उम्र। 20 साल की उम्र में, तो अब काफी वक्त हो गया, कहीं और जा भी नहीं सकते। उम्र होगी। तो आपकी ड्यूटी वही कठुआ जिले में, तो और भी वहाँ पे जितने वर्कर हैं सबका यही हाल है? हाँ, सबका यही। जब आप लोग सैलरी के लिए कहते हैं तो क्या क्या जवाब मिलता है? वो आश्वासन ही मिलते हैं, अब मिल जाएगी, अगले महीने मिल जाएगी, मतलब कि आश्वासन है। और जो दिन त्योहार होते हैं उस समय का क्या त्योहारों के बाद ही मिलती है, कभी मिले तो साल में एक बार या दो बार। तो सोचने की बात है, आखिर क्या ऐसी मजबूरी है कि बिना पैसों के लोग काम करने पे मजबूर हैं, और 20-20 साल 25-25 साल और कई साल लोगों ने अपनी पूरी उम्रें दे दी हैं इस विभाग में और डेली वेजर ही रह गए हैं, परमानेंट नहीं हुए हैं, तनख्वाहें नहीं मिलती हैं, मजबूर होकर कहीं ना कहीं और काम करना पड़ता है, दिहाड़ी लगानी पड़ती है। तमाम इनके आप देख सकते हैं कि कोई डोडा किश्तवाड़ का है, कोई पुंछ राजौरी का है, और तमाम पहाड़ी क्षेत्र है हमारा जम्मू कश्मीर का, तो पानी पहुँचाना सबसे बड़ी समस्याएँ रहती हैं। आप कहाँ के रहने वाले हैं, कहाँ से आएंगे? मैं नगरोटा से हूँ, मेरी ड्यूटी जानीपुर में है। अच्छा, ड्यूटी जानीपुर में है, तो कब से ड्यूटी जानीपुर में चल रही है? मेरे को हो गया कोई 15 साल हो गए हैं। 15 साल से नौकरी, तो शुरुआत से ही ऐसे था कि पैसे नहीं मिलते थे या बाद में? बिल्कुल शुरुआत से ही ऐसे ही है हमारे साथ, 5-5.5 साल हो गए हमें पेंडी तनख्वाह पड़ी हुई, अभी तक मिली नहीं है। अच्छा, वोट डाला इस बार आपने? हाँ जी, वोट डाला। तो मन में आ रहा था कि मैं डालूँ कि नहीं डालूँ? ऐसा मेरे को लग रहा था कि वोट हम देंगे नहीं है, इसलिए
तो फिर भी हमने सोचा कि चलो मोदी के पीछे सारे बोल रहे हैं कि मोदी को वोट दे देंगे, एक उम्मीद थी कि चलो मोदी शायद इस बार दोबारा आएगा तो हमारा मसला हल होगा। जी जी तो लेकिन जब पिछली बार हुआ था तो क्या मन में था कि 5 साल भी बीत गए अब भी नहीं हुआ, बीजेपी की सरकार भी आके चली गई? वो भी ऐसे आश्वासन दे के हमें गुमराह करके इतनी देर हो गया। घर में बहुत सारी परेशानी है। कैसे घर कैसे चलता है आपका? बहुत परेशानियाँ, कहीं पे दिहाड़ी लगेगी तो ऊपर से प्रेशर भी है अफसरों का कि वो डिप्टी पे आओ आपकी सैलरी बंद की जाएगी पीछे से। डराते हैं? जी जी। तो फिर आप लोग उनको कहते हैं कि आप डराते क्यों अगर पैसे नहीं? हमने बोला कि आप जितना मर्जी हमें प्रेशर डालो, हम जब तक हमारी सैलरी नहीं रिलीज होगी हम तब तक ऑफिस में। मतलब एक अड़चन है कि पिछले पैसे दोगे तभी, मतलब हम तब तक काम करेंगे जब तक पिछले पैसे। का सर्कल कैसे चलाएंगे? हमारे मम्मी डैडी बीमार हैं, घर की बहुत कंडीशन खस्ता। जब सुनते हो किसी ने आत्महत्या कर ली जैसे आपके साथी ने 2 दिन पहले, बहुत फील होता है सर। हमें इतने इतने सालों के बाद अगर कोई ऐसा हादसा बीत जाता तो हमें बहुत ठेस पहुंचती है। जी जी। सिर्फ एक शख्स की बात नहीं है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं। और सोचिए कि एक शख्स अपनी जान देने की कब सोचता है, जब वो हर ओर से हार जाता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, कई अपने जिनकी मानसिकता दृढ़ है वो शायद ऐसे कदम ना उठाते हों, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो कि हार जाते हैं क्योंकि बच्चे हैं, उनकी उम्मीदें होती हैं उनसे कि वो पढ़ाएंगे, समय पर उनको खाना मिले। लेकिन विभाग है जो पिछले कई समय से सैलरीज जो हैं वो नहीं दे रहा है और लगातार इनसे यही कहता है कि आप काम करें, प्रेशराइज कर किया जाता है और डर खौफ के माहौल में ये निचले तबके के जो कर्मचारी हैं ये काम करने पे मजबूर हैं। कब जाके इनका मसले हल होंगे ये तो सरकार ही बताएगी, लेकिन बीजेपी चली गई, एनसी ने रूल किया, पीडीपी ने किया, कांग्रेस ने किया, हर सरकार से ये लोग यूं ही अपनी नज़रें गड़ाई रखी, किसी ने कोई मसला हल नहीं किया। अभी राष्ट्रपति शासन में कहा जा रहा था कि सत्यपाल मलिक जो हैं कड़े से कड़े जो हैं वो फैसले ले रहे हैं, लेकिन पीएचई आईटीआई ट्रेनिंग डेली वेजर तमाम लोगों का मसला अभी तक हल नहीं हो रहा है और जो आत्महत्याएं हैं वो रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। कब जागेगा प्रशासन ये सबसे बड़ा सवाल है। क्या ये सिर्फ लोग वोट बैंक के लिए ही हैं या इनका कोई इन्हें कोई हक हकूक भी दिया जाएगा, सोचने का ये बहुत बड़ा सवाल है। जम्मू से ख्वाहिश पटियाल की रिपोर्ट।